हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एज अ बैट्समैन अगर आपको अच्छे स्टार्ट मिल जाते हैं तो आप रन क्यों नहीं बना पाते, आप जल्दी क्यों आउट हो जाते हैं, और ऐसे कुछ रीजंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आज आपको ये पता लगने वाला है कि आप क्यों बड़े रन नहीं बना पा रहे या क्यों अच्छे रन स्कोर नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो को गाइस आपको एंड तक देखना है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। तो शुरू करते हैं गाइस आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड गाइस, इसी के साथ ही अगर आपने अब तक हमें हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपने गेम को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मिल जाएंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें ये जानना होगा कि ऐसी 5 ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारे रन नहीं बनते। तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, फिर उनके सोल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है प्री प्लानिंग, सेकंड प्रॉब्लम है सेटिस्फेक्शन आफ्टर प्लेइंग गुड शॉट, थर्ड पॉइंट है सेटिस्फेक्शन आफ्टर गुड स्टार्ट, फोर्थ पॉइंट है लेस स्टेमिना और वीक फिटनेस, एंड फिफ्थ पॉइंट है माइंड ब्लैंक वाइल्ड बैटिंग। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है प्री प्लानिंग। जब भी हम गाइस प्री प्लानिंग करते हैं, प्री प्लानिंग का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। हमारे माइंड में ऑलरेडी हम लोग प्लान कर लेते हैं कि मैं किस बॉलर को किस तरह खेलने वाला हूँ, किस तरह की शॉट मारने वाला हूँ, किस तरह का बैटिंग करने वाला हूँ। हम लोग बॉल को वॉच नहीं करते, अपने हिसाब से खेलते हैं, जो हम माइंड में सोच चुके होते हैं उसको प्री प्लानिंग बोलते हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू मेक रन्स ईजिली, उसको जाके आप पूरा देखिएगा कि क्या इसके नुकसान होते हैं और कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, इसका आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम जो बहुत सारे बैट्समैन फेस करते हैं, एंड आई होप कि आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे, जब भी हम बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बैट्समैन क्या करते हैं, जैसे हम सपोज बैटिंग स्टार्टिंग में करने जाते हैं तो हम लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं, थोड़ा नर्वसनेस हमारे साथ रहता है कि यार बैटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा डाउट रहता है, वो सबको रहता है स्टार्टिंग में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अपकमिंग 5-6 बॉल के अंदर या 7-8 बॉल के अंदर हम लोग एक बहुत अच्छा शॉट मार देते हैं जिसको हमें खुद बिलीव नहीं होता कि यार ये शॉट मैंने मार दिया। जैसे कि बहुत सारे बैट्समैन अगर ऑन ड्राइव अच्छा मार देना तो उनको लगता है कि वाह यार क्या शॉट मारा है, मतलब वो उसी शॉट में खो जाते हैं कि यार आज तो मैंने विराट सर जैसे शॉट मार दिया, आज मैंने सचिन सर जैसा ड्राइव मार दिया, आज मैंने पॉइंट के ऊपर से छक्का मार दिया सहवाग सर की तरह, मतलब इस शॉट में हम खो जाते हैं। और ये गाइस प्रॉब्लम है, इसको आप महसूस करेंगे, अगर मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही हम लोग वो चीज़ करते हैं, जैसे हम एक अच्छा शॉट मारते हैं और हमें खुद बिलीव नहीं होता कि भाई ये शॉट मैंने ही मारा है, तो क्या होता है हमारा माइंड फिर उसकी मेमोरी के अंदर खोने लग जाता है और हम सेटिस्फाई होने लग जाते हैं। हमें पता भी होता है कि यार मुझे को मैच निकालना है, मेरे को मैच पे ध्यान देना है, लेकिन हम चाहकर भी बैकअप नहीं कर पाते गाइस। और मैंने इस कंडीशन को कई बार अपने साथ फेस किया है और बहुत सारे जो बैट्समैन होते हैं उनको फेस करते हुए देखा है। तो इससे बाहर आप कैसे निकल सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है कि जब भी आप नेट के अंदर बैटिंग करें या मैच के अंदर बैटिंग करें, आपको कोशिश करनी है कि अच्छे शॉट खेलने, बट अपने आप को अंदर ही अंदर ये बोलते रहना है कि भाई एक शॉट से कुछ नहीं होने वाला, अगर मुझे अपनी टीम को जिताना है, अगर मुझे अपना सिलेक्शन करवाना है और अगर मुझको आगे बढ़ना है तो मेरे को रेगुलर हर मैच में हर इनिंग में इस तरह के अच्छे शॉट खेलने की आदत डालनी पड़ेगी, राइट। तो तब आपको जो ये जो सेटिस्फेक्शन वाला लेवल ना वो धीरे धीरे जाने लगेगा, लेकिन एकदम नहीं जाएगा, टाइम लेगी। हमारा थर्ड पॉइंट है कि सेटिस्फाइड आफ्टर गेटिंग गुड स्टार्ट, मतलब कई सारे ऐसे आपने बैट्समैन देखे होंगे या आप भी उनमें से हो सकते हैं, जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो क्या होता है कि हमें जल्दी स्टार्ट भी अच्छा मिल जाता है, हम लोग अपकमिंग 20 बॉल के अंदर 15-16 रन मार चुके होते हैं, 2-3 चौके उसके अंदर मार चुके होते हैं, मतलब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे माइंड का जो फेज होता है ना, जैसे आपको ऊपर के केस में सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि यार मैंने अच्छा शॉट मार दिया, अब आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, इसी तरह कई बैट्समैन के साथ क्या होता है कि वो पहली 20 बॉलें या 30 बॉलें या 40 बॉलें तो बहुत फोकस से खेलते हैं, लेकिन अगर आप उनका ग्राफ उठा के देखोगे कि 40 बॉल के बाद वो कैसे खेलते हैं तो आप हमेशा उन्हें ये पाओगे कि वो कैजुअल बैटिंग करते हैं, फिर वो बॉलर को कुछ नहीं समझते, फिर उनको ये लगता है कि मैं बॉलर को कहीं से भी मार सकता, फिर वो मेरिट पे बैटिंग करना छोड़ देते हैं और अपने हिसाब से बैटिंग करते हैं। और जब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कैजुअल होना शुरू हो जाओगे, जब आप प्री प्लानिंग करना शुरू कर दोगे तो आपके रन बनने के चांसेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है जब भी आप नेट पे बैटिंग करते हैं या जब भी आप अकेले में ड्रिल्स करते हैं या अकेले में नेट करते हैं अपनी, मतलब अकेडमी से अलग जो अकेले में नेट करते हैं आप, हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि मैं कितनी बॉल तक मेरा कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक दिन में नेट में 100 बॉल खेली तो आपको क्या करना है, आपको 30-30 बॉल के 3 स्लॉट बनाने हैं, राइट। 30-30 बॉल के 3 स्लॉट बनाने या 25-25 बॉल के 4 स्लॉट बनाने, उसे पेपर पे लिखना है और लिखना है कि जब आप 25 बॉल खेल चुके होंगे तो आपको अपने कंसंट्रेशन चेक करना है कि मेरा पहली 25 बॉल में कंसंट्रेशन कैसा था, अगले 25 बॉल में मेरा कंसंट्रेशन कैसा था, इसी तरह आपको पूरा फ्रेम चेक करना है। आपको पता चलेगा कि मैं कुछ बॉल खेलने के बाद कैजुअल हो जाता हूँ,
कुछ बॉल खेलने के बाद मेरा जो फोकस है वो नहीं रह पाता, कुछ बॉल खेलने के बाद मैं बॉल को देखना छोड़ देता हूँ, तो इसकी वजह से क्या होता है गाइज कि आपके रन बनना कम हो जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, कई लड़के 4 साल से खेल रहे हैं, 5 साल से खेल रहे हैं, बट बहुत शर्म की बात है कि उनके अब तक 100 नहीं है, उनके अब तक 50 नहीं है, यही रीजन्स है जिनकी वजह से हमारे रन नहीं बनते। तो आप प्लीज़, इसका जो सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, जब भी आप नेट करेंगे, जब भी आप बैटिंग करेंगे, तो आपको अपने फोकस को हमेशा मेजर करना है कि जैसे मैं स्टार्टिंग में बैटिंग कर रहा था, क्या मैं वैसी बैटिंग कर रहा हूँ, तब आपको खुद ही आंसर मिल जाए। आप हमारा थर्ड पॉइंट समझ चुके होंगे, तो इसी से जुड़ा हुआ है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो है वीक फिटनेस। अब वीक फिटनेस क्या होती है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, बॉलर और बैट्समैन में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट। जो बैट्समैन होते हैं ना, उनको कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्यों, अगर आपने पूरी जी जान लगा के अपनी इनिंग को बिल्ड किया, राइट, आपने सिंगल भी डाले, आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा सर्वाइव भी किया, आपको बॉल खेलने में परेशानी आई, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आई, लेकिन आपने उस फेज को निकाल के आपने रन बनाने की कोशिश करी, आपने 70-80 रन बना लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम वहाँ पर कैजुअल होते हैं या हमारी जो फिटनेस होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है, तो हमारा कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, हमारा माइंड ये बोलता है कि बस जल्दी सो कर और बाहर आ जा। और जब आपकी कंसंट्रेशन गिरेगी ना गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, बैट्समैन को बॉलर से ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है, क्योंकि उसको हर एक बॉल पर फोकस करना है कि मेरे को कौन सा बॉल किधर खेलना है, किस साइड खेलना है, कितने गैप में मारना है, हर एक चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए। और कंसंट्रेशन कैसे बनेगी, अच्छी फिटनेस करने के बाद, हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत सारे बैट्समैन, मैंने खुद देखा है, 90% से ज़्यादा बैट्समैन क्या करते हैं, वो फिटनेस करने से बचते हैं, वो फिटनेस करना ही नहीं चाहते। तो हमेशा आप ध्यान रखना, वो चाहे जिम ट्रेनिंग हो, चाहे ग्राउंड फिटनेस हो, आपको करनी ही पड़ेगी, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। इसके अलावा आप कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आपको विजुलाइजेशन करनी है, आपको लंबे लंबे मेडिटेशन करने हैं, 1 घंटे के 1.5 घंटे के 2 घंटे के। और विजुलाइजेशन में भी क्या करना है, आपको अपने आप को बैटिंग करता हुआ देखना है, और बॉल बाय बॉल आपको बैटिंग करता हुआ देखना है। जब आप ये प्रोसेस करेंगे ना, तो आपको बोरियत आना शुरू हो जाएगी, आप बोर होना शुरू हो जाओगे। इसी तरह की बोरिंग मैच के अंदर भी आती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, उस बोर्डम को या जो बोरियत आपको आती है उसको मेंटली आपको रिमूव करना है। और कैसे करेंगे आप, लंबे समय के विजुलाइजेशन करके, लंबे समय के मेडिटेशन करके, राइट। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप बैटिंग करने जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी मेरे इंटरनेशनल प्लेयर्स के इंटरव्यू सुने हैं, वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि बैटिंग का मतलब ये होता है कि आपको डिसीजन लेने हैं कि यार मेरे को अगले 4 ओवर में इतने रन निकालने हैं अपनी टीम के लिए, मेरे साथ कोई बैटिंग नहीं कर रहा, राइट। आपको आप इस कंडीशन में हो सकते हैं कि आपको उस दिन सिर्फ सर्वाइव करना है, तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको अपने आप ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप एक ही तरह की गेम खेलोगे, कई बार पिच डिफरेंट होते हैं, कई बार कंडीशन डिफरेंट होते हैं, कई बार आप अच्छी पोजिशन में होते हो, कई बार आप नीचे वाली पोजिशन में होते हो, तो वहाँ पर आपको डिसीजन लेने हैं अपनी बैटिंग के साथ साथ। और डिसीजन कब ले पाओगे, जब आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। और हमेशा ध्यान रखना गाइस, बड़े रन बनाने के लिए चाहे आप 100 मारो, 200 मारो, आपको बड़े रन बनाने के लिए क्रीज पे टिकना होगा। और क्रीज पे टिकने के लिए टेक्निक तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको चाहिए कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किससे आएगी गाइस, फिटनेस करने से। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इस पॉइंट को समझ चुके हो तो आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है पॉइंट। एंड गाइस, हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है माइंड ब्लैंक व्हाइल बैटिंग। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, और बहुत लोगों से मैं मिला हूं, जितने प्लेयर्स से मैं मिला हूं, अपने सीनियर्स के साथ में खेला हूं, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब वो बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि उनको अब उनको क्रीज पे रख के क्या करना है। उनको यही नहीं पता होता कि उनको तेज खेलना है, उनको स्लो खेलना है, उनको सिंगल डालना है, उनको सर्वाइव करना है, उनको कुछ भी नहीं पता होता कि मैच में क्या चल रहा है, कितने रन चाहिए, उनको नहीं पता होता। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप परफॉर्म कब अच्छा करते हैं, जब आपको ये पता होगा कि मेरे को अंदर जाके एग्जैक्टली क्या करना है। ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए, आप परफॉर्म जब कर पाएंगे, जब आपको अंदर जाके ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है, तब आप एक रोल निभा पाएंगे। और आपका और मेरा जो भी क्रिकेट खेलते हैं, हर बंदा अपनी टीम के अंदर एक रोल निभाता है। इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो, 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, 2 पार्ट इसके हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपके माइंड के अंदर बहुत क्लैरिटी आएगी। और एक सोल्यूशन मैं आपको और दे देता हूँ कि माइंड ब्लैंक आपको सोल्यूशन कैसे आपको मिल सकता है। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी बैटिंग नहीं आती, जब हम डगआउट में बैठे हुए होते हैं, 99% लड़के पता है क्या करते हैं, वो बाहर बैठ के बकवास कर रहे होते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और जब वो बकवास कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि उनका जो फोकस होता है वो मैच से हट जाता है, और उनको अंदर ये नहीं पता चलता कि मैच के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं आपको बाहर बैठ के बात करने से मना नहीं कर रहा, आप बिल्कुल बात करिए, लेकिन आपका जो फोकस, आपका जो ध्यान होना चाहिए, वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारे इस ओवर में कितने रन आए, अगले ओवर में कितने रन हमें चाहिए, और कौन मंदा क्रीज से बैटिंग कर रहा है, उसने कितनी बॉल में कितने रन बनाए, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आप सपोज इतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से बात करनी चाहिए। मैच खत्म होने के बाद आप बात कर सकते हैं,
राइट। तो ये चीज आपने करनी है, आप इस टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो देखिए, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। आई होप गाइस कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका होगा, और जिस भी पॉइंट के अंदर आप फंसे हुए थे प्लीज मुझे बताइए कि आपको किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर टेक्निकली भी तो आउट हो सकते हैं। डेफिनेटली आप टेक्निकली आउट हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस पर आपको बताई हैं, और मेंटली आप कैसे इनसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मेंटली हैं, तो आपको उन पर मेंटली काम करना है। टेक्निकली आपके कोचेज आपके ऊपर ऑलरेडी काम करवा रहे हैं, अपकमिंग टाइम में मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप इन पॉइंट्स पर काम करिएगा गाइस, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, आपसे लेता हूँ अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच।